हे फ्रीज, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो चलिए आज शेयर करते हैं एक स्वीट डिश। तो रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हम शेयर करेंगे मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। बनाइए और अपने अपनों का दिल जीतिए। तो मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि उसकी बूंदी कैसे बनती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन 1.5 कप और उसमें मिलाएंगे हम लगभग 3/4 कप पानी। अब इसे धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में, और अगर कम लग रहा है तो थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो टोटल मैंने 3/4 कप पानी यहाँ पे यूज़ किया है। बूंदी को और बढ़िया बनाने के लिए हम पानी के साथ ऐड करेंगे इसमें मिल्क। तो दूध मैंने यहाँ पे फुल फैट मिल्क लिया है, अच्छे मलाई वाला दूध लिया है। टोटल 1/2 कप दूध लिया है मैंने, लेकिन पहले थोड़ा ऐड करके देखेंगे, अगर ज़रूरत लगी तो ही पूरा ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से पूरा ऐड कर लिया है। बैटर हमें बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत थिक भी नहीं करना है। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले ताकि कोई लम्प्स ना रहे। और अब इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। तो सॉल्ट करीबन 1/4 टीस्पून ऐड किया है, सॉरी। अब ऐड करेंगे कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहे तो ना डालिए, लेकिन कलर डालने से इसमें खूबसूरती आती है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल का आपका लड्डू दिखता है। तो ये मैंने नमक और कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसकी बूंदी बनाते हैं। बूंदी फ्राई करने के लिए हमने लिया है यहाँ पे घी, लगभग 250 ग्राम घी मैंने यहाँ पे लिया है, और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो तेल गरम करने के बाद हम इसमें पहले 2-3 ड्रॉप्स डाल करके देखेंगे बूंदी के बैटर का, और वो अच्छे से तैर के अगर ऊपर आ गई तो समझ लीजिए कि आपका तेल अच्छे से रेडी है बूंदी बनाने के लिए। अब इस टाइप का झांझरा लें जो यूजुअली किचन में सबके पास होता है, उसमें बैटर डालें और उसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करें ताकि वो नीचे आपकी बूंदी एक एक ड्रॉप्स गिरती जाए और अच्छे से बन जाए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर मैंने एक बार बूंदी की बैटर उस छन्नी में डाल दी है तो सेकेंड टाइम बनाने वक्त आप उसे अच्छे से पहले क्लीन कर लें, वाइप कर लें, और उसके बाद सेकेंड डालें, क्योंकि बूंदी बनाने के लिए उसके होल्स जो है वो ओपन रहनी चाहिए। अगर आपने नहीं क्लीन किया तो आपके होल्स पैक हो जाएंगे और बूंदी नहीं गिर पाएगी। तो ये हमारी बूंदी फ्राई हो रही है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमने इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी। क्रिस्पी बिल्कुल नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट सा रखना है, क्योंकि लड्डू में क्रिस्पीनेस अच्छा नहीं लगता, सॉफ्ट होता है, और जितना सॉफ्ट रहेगा उतने अच्छे तरीके से ये चाशनी को पी ले सकती है और बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे तुरंत निकालना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे बूंदी बनी है ये। अगर आपको ये बूंदी बनानी डिफ़िकल्ट लग रही है तो मार्केट में रेडीमेड खारी बूंदी मिलती है, वो ले सकते हैं, या थोड़ी मीठी बूंदी भी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं, और सिर्फ घर में ला के चाशनी में डाल के बना सकते हैं। अब चाशनी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब जैसे मैंने वो छन्नी पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया और सेकेंड बैच की बूंदी मैंने फ्राई करनी स्टार्ट कर दी, तो इसी तरह हमने बैटर ख़त्म होने तक, मतलब पूरे बैटर की बूंदी बना लेनी है, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोल्डन कलर नहीं आना चाहिए। हल्का हल्का सा कलर आया, पक गई समझिए, सॉफ्टनेस लगी और निकाल लिया हमने। तो ये बूंदी तैयार हो गई है। अब देखते हैं कि इसकी चाशनी कैसे बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन में मैंने लिया है 1 कप शुगर, 1 कप शक्कर, और उसके साथ लेंगे 1/2 कप पानी, मतलब 1/2 का रेशियो रहेगा, ज़्यादा शक्कर और कम पानी। और जब तक
शक्कर घुल ना जाए पानी में तब तक हमें इसे खौलाना है, और फिर उसके बाद हम मीडियम या स्लो कर देंगे फ्लेम, और अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले। जब आपको लगे कि पूरी शक्कर घुल चुकी है और चाशनी थोड़ी थोड़ी बनने लगी है, उसका जो तार है अगर आप उसको टच करेंगे तो दोनों फिंगर के बीच में एक तार के बराबर का चाशनी होना चाहिए। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें केसर। केसर मैंने थोड़ा सा दूध में मिक्स करके रखा है, गरम दूध में, उसका कलर बहुत सुंदर आता है। अगर आप चाहें तो आप गरम पानी में भी मिक्स करके रख सकते हैं, तो इसे भी हम थोड़ी देर तक पका लेंगे ताकि जो केसर का कलर है, खुशबू है, वो चाशनी में आ जाए। और इसमें भी कलर ऐड करेंगे जो हमने बूंदी में डाला था, ताकि जब बूंदी चाशनी में ऐड हो तो उसका कलर मध्यम ना हो जाए, उसका कलर और अच्छे से खिल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी चाशनी पूरी तरीके से तैयार है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बताती हूँ। अब मार्केट की तरह आपकी बूंदियाँ बहुत बारीक बारीक तो बन नहीं पाएंगी घर पे, क्योंकि हमारे पास वैसे इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। तो अगर आपकी बूंदी थोड़े बड़े बने हैं या क्रिस्पी है, तो आप मिक्सर में इसे जस्ट 2-3 सेकेंड के लिए पीस ले। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, जस्ट ग्राइंड किया और बंद। ये यूं करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी बूंदी को ग्राइंड कर लिया और चाशनी भी मेरी तैयार है। चाशनी में और मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है काजू, टुकड़ों में कट कर लिया है, और पिस्ता जो बारीक बारीक काट करके हमने इसमें ऐड किया है। अब ये देखिए, जो हमने ग्राइंड किया है बूंदी, बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। और इस तरह अब पूरा बूंदी का बैटर जो है वो हम चाशनी में ऐड कर देंगे, और इस वक्त हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ध्यान रहे, जब हम बूंदी ऐड कर रहे हैं तब चाशनी गर्म होनी चाहिए, खौलती भी नहीं होनी चाहिए लेकिन गर्म होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से जो है बूंदी जो है वो उसमें मिक्स हो जाए और पूरा चाशनी जो है वो पीस ले। 2-3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर जब ठंडा हो जाए तब हम इसके बनाएंगे लड्डू। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है लड्डू, एक बाउल में लिया है घी, तो थोड़ा सा बैटर लेंगे लड्डू का, और इस तरह अपने उंगलियों के सहारे से उसको राउंड शेप देंगे। और अगर आपकी उंगलियों में बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं तो आप घी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर ये आपने ये घी लिया है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे अप्लाई कर लीजिए और लड्डू रख के उसको बाद कीजिए, तो उस आपके हाथों में नहीं चिपकेंगे और बहुत अच्छे परफेक्ट गोल बन जाएंगे। तो ये हो गया है। अब हम इसे रखेंगे एक कपकेक के लाइनर में, छोटे छोटे मिलते हैं ये मार्केट में, आप चाहे तो ले सकते हैं या डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी लड्डू भी बना लेंगे। यहाँ पे चाशनी की और जो बूंदी की कंसिस्टेंसी है बहुत परफेक्ट बनी है, बहुत अच्छे से बाइंड हो रहा है, ये क्रैक भी नहीं हो रहा है, बहुत ड्राई भी नहीं है, घी भी एकदम परफेक्ट मात्रा में आई है इसमें, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं। तो ये लड्डू हमारे हो गए हैं तैयार। अब ऊपर से थोड़ा गार्निश कर लेंगे अपने ड्राई फ्रूट से और प्रेजेंट करेंगे और लुत्फ उठाएंगे। तो बच्चे बड़े और अपने सिबलिंग सबको खुश कीजिए होममेड हैंडमेड लड्डू बना के। तो इस रक्षाबंधन सरप्राइज कीजिए अपने ब्रदर को होममेड हैंडमेड लड्डू बना के। And for me, please like and subscribe my channel and keep watching. Thank you. Bye-bye.